नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हम लोग क्लास टेंथ की जो बायोलॉजी है उसमें लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम आप ह्यूमन बीइंग्स की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे ह्यूमन बीइंग्स के तीन जो स्टेप है वो फॉलो होते हैं और उसी के थ्रू हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होकर के यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पहला प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। उन्हीं के बारे में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ किडनी। यूरिन का बनना जो होता है वो किडनी में होता है एंड दिस हैपन इन द थ्री स्टेजेस। और इसमें तीन स्टेजेस होते हैं या तीन स्टेप जो है फॉलो किया जाते हैं, ठीक है। पहला है फिल्ट्रेशन, ठीक है। योर फर्स्ट स्टेप इज दैट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस अगर इन द ग्लोमेरुली जो होता है नेफ्रांस का भाग होता है उसमें जो है ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन का होगा। ब्लड प्रेशर हेल्प प्लाज्मा ऑफ ब्लड टू पास थ्रू द कैपिलरीज। हुआ यानी जो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा का प्रेशर है वह हेल्पफुल हो जाएगा कि जो कैपिलरीज बनी है, कैपिलरीज वाल हैं, उनसे हो करके जब ब्लड जाए तो वहाँ फिल्ट्रेशन का वर्क हो सके इन द ग्लोमेरुलस वाले भाग, ठीक। प्लाज्मा है H2O, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, यूरिया, इस तरह के प्रोडक्ट्स या इस तरह के चीज़ों को, केमिकल्स को बॉडी में रखता है, यानी ग्लूकोज रखता है, पानी रखता है, वाटर, अमीनो एसिड रखता है, यूरिया रखता है। इन सब को वो क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का काम करता है। जो भी अनावश्यक होगा बॉडी के लिए एक्स्ट्रा होगा उसको उससे फिल्ट्रेट करके निकाल करके सेपरेट करेगा। अब होता क्या है बच्चों, जो दूसरा स्टेप है वो आपका है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो दूसरा स्टेप है वो है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में बच्चों आप देखेंगे कि कभी कभी होता क्या है, फिल्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी फिल्टर होकर के चली जाती हैं जिनका कि बॉडी में यूज होता है, अनावश्यक रूप से सेपरेट हो जाती है, तो उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, रीअब्जॉर्प्शन। इन द सबस्टेंस कंसिडर नेसेसरी इन द फिल्ट्रेट ट्रेवल बैक इन टू द ब्लड स्ट्रीम। यानी जो गलती से चला गया है ब्लड स्ट्रीम में उसको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यूरिन वाले भाग में उसको फिर से फिल्ट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में वापस ले आना ही क्या है, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तीसरा है बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, इन दिस द पैसेज ऑफ द अनवांटेड सबस्टेंसेज ऑफ द कैपिलरीज डायरेक्टली इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। अनवांटेड जो सबस्टेंस होता है उसको डायरेक्टली रीनल ट्यूब्यूल्स में छोड़ा जाता है। दिस इज एन एडिशनल वे ऑफ गेटिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द यूरिन। यह एक एक्स्ट्रा या एडिशनल मेथड है यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर देने का या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को उसके माध्यम से निकाल देने का, ठीक है। ऑन एन एवरेज द यूरिन अबाउट आउटपुट्स इन अ हेल्दी पर्सन इज 1 to 8 लीटर पर डे। 1 से 8 लीटर की बात ये कह रहा है कि पर डे जो होता है यूरिन फॉर्मेशन नॉर्मल पर्सन में भी पॉसिबल है। हालांकि मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बता दिया, लेकिन ये है कि लगभग 1 लीटर प्लस ही देखेंगे कि यूरिन की मात्रा, कभी कभी ज़्यादा वानी होने पर 1 लीटर तक पहुंच जाती है मात्रा, ठीक है। यूरिन कंटेन 95% वाटर। यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो 95% होती है वो वाटर की होती है और जो 5% होता है वो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है। उसमें यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है और भी सबस्टेंस जो कि नाइट्रोजनस वेस्टेज में आते हैं मे बी वो हो सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने बच्चों ने देखा
कि जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन में, उसमें फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर जो है सिक्रीशन होता है। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, या कह दें कि ब्लड जो है छन करके यूरिन फॉर्मेशन देता है विद द हेल्प ऑफ द किडनी आर ग्लोमेरुलस पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो इसको हम आगे फिर कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।